नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचिका है और मैं इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कैसे आप इंग्लिश बोलना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे नाउंस की, जिन्हें हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, संज्ञा वाक्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और कोई भी वाक्य संज्ञा के बिना पूरा नहीं होता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ नाउन। संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या विचार को संबोधित करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नेम्स विच डिनोट अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया आर कॉल्ड नाउन्स। वी ऑल्सो कॉल देम नेमिंग वर्ड्स। कुछ उदाहरण है नाउन्स के। पहला है महात्मा गांधी, इंडिया, भारत, बॉय, लड़का, ट्री, पेड़। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट, विद्यार्थी, क्राउड, भीड़, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सौंदर्य। अब आप सोचेंगे कि ऑनेस्टी और ब्यूटी ये तो किसी व्यक्ति के नाम नहीं हैं, पर कैसे ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, हम आगे चल के देखेंगे। दोस्तों, कुछ प्रकार हैं नाउन्स की इंग्लिश लैंग्वेज में। उनके नाम हैं कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरी प्रकार है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, इसे हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन, ये किसे कहते हैं? सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इन जनरल। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आप किसी भी जाति को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो गाड़ियाँ हैं, चाहे वो पेड़ हैं, आप जनरलाइज कर रहे हैं, किसी बहुत ही ब्रॉडली किसी की बात कर रहे हैं, तब जो शब्द आप यूज़ करते हैं उन्हें संबोधित करने के लिए, उन शब्दों को कॉमन नाउन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉमन नाउन के। लड़का, बॉय, लड़की, गर्ल, पेड़, ट्री, बस, किताब, बुक। कुछ और एग्जाम्पल हैं इमारत, बिल्डिंग, जहाज, शिप, पुरुष, मैन, मालिक, ओनर, भिखारी, बेगर। मंदिर, टेम्पल, सुबह, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग, भोजन, फूड, शिशु, इन्फेंट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कॉमन नाउन के वाक्य उदाहरण के रूप में। पहला वाक्य है ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ पर कॉमन नाउन है स्कूल। दूसरा उदाहरण है माय फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। यहाँ पर दो कॉमन नाउन हैं, पहला है फादर और दूसरा है टीचर। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये कॉमन नाउन है। सबसे पहले ये किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है स्कूल। और ये कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से फादर और टीचर भी कॉमन नाउन है। कुछ और एग्जांपल्स हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। बुक क्या है? कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा। बहुत सारी बुक्स होती हैं। एक और वाक्य है आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग भी यहाँ पर कॉमन नाउन है। ही वॉक्स टू स्कूल,
माय मदर इज कुकिंग फूड। पहले वाक्य में वह स्कूल चलकर जाता है, यहाँ पर कॉमन नाउन है स्कूल। दूसरे वाक्य में मदर और फूड दोनों ही कॉमन नाउन है। दूसरे प्रकार की संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये क्या होती है? जब किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव का नाम इस्तेमाल किया जाए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। गंगा, ये एक पर्टिकुलर नदी का नाम है। एक और एग्जाम्पल है दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। एक और एग्जाम्पल है हरी, ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो सकता है। शताब्दी एक्सप्रेस, ये एक पर्टिकुलर ट्रेन का नाम है। ताजमहल, ये एक पर्टिकुलर इमारत का नाम है। कुछ और उदाहरण हैं, आइसैक न्यूटन, ये भी एक व्यक्ति का नाम है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चंडीगढ़, ये एक स्थान का नाम है। फ्रांस, ये एक पर्टिकुलर देश का नाम है। और कुतुब मीनार, ये भी एक मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका नाम है। यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए वाक्य हैं जहाँ पर प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल किया गया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस वाक्य में दो प्रॉपर नाउन्स हैं, जवाहरलाल नेहरू जो कि किसी व्यक्ति का नाम है, और इंडिया जो कि किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल है पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इस वाक्य में भी दो प्रॉपर नाउन्स हैं, पहला है पेरिस जो कि एक शहर का नाम है, और दूसरा है फ्रांस जो कि एक देश का नाम है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम शाहरुख खान से मिले थे, वी मेट शाहरुख खान। इस वाक्य में एक प्रॉपर नाउन है शाहरुख खान, जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। एक और एग्जाम्पल, वे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, दे स्टडी एट द दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वाक्य में दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। राधिका विश्व यात्रा पर जा रही है। राधिका इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर। इस वाक्य में राधिका किसी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। हम दी ट्रिब्यून पढ़ते हैं, वी रीड द ट्रिब्यून। इस वाक्य में एक पर्टिकुलर अखबार की बात कर रहे हैं आप, जिसका नाम है द ट्रिब्यून, इसलिए ये शब्द प्रॉपर नाउन है। अब मैं आपको एक खासियत बताती हूँ प्रॉपर नाउन की, कि जब भी आप कोई प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करते हैं, उस शब्द का जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल में लिखा जाता है। हालांकि इस वाक्य में जवाहरलाल नेहरू तो वाक्य के शुरू में आया है, तो उसका जे कैपिटल ही होगा, लेकिन देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने एन को भी कैपिटल में लिखा है। और इसी तरह इंडिया, जो कि वाक्य का लास्ट वर्ड है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, हिंदी में सारे अक्षर एक ही समान से लिखे जाते हैं, पर इंग्लिश में जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसका जो वर्ड का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रांस का एफ जो है वो मैंने कैपिटल में लिखा है। ये नियम है लिखने के लिए इंग्लिश, कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए शाहरुख खान, ये किसी व्यक्ति का नाम है, हालांकि ये शब्द वाक्य के बीच में आया है, फिर भी मैंने एस और के ये दो अक्षरों को कैपिटल में लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में डी और यू कैपिटल्स में आएगा।
इस उदाहरण में तो राधिका पहला शब्द है वाक्य का, तो ये कैपिटल में ही है आर। यहाँ पर भी देखिए द ट्रिब्यून प्रॉपर नाउन है, और हालांकि ये शब्द वाक्य के मध्य में है फिर भी हमने टी को कैपिटल लिखा है। अगले प्रकार है जो संज्ञा की, वो है समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। ये क्या होती है? जो शब्द व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का समुदायक रूप से वर्णन करें। द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स प्लेसेस एनिमल्स और थिंग, ऐसे शब्दों को, ऐसे नामों को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स के। सेना दल आर्मी। अब ये आर्मी क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक देश की सिक्योरिटी के लिए बाहरी देशों की सिक्योरिटी के साथ लड़ते हैं। अगला वर्ड है कमेटी, कक्षा यानी क्लास। क्लास भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। एक और उदाहरण है सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक देश को चलाने वाले लोगों के ग्रुप को, समूह को कहते हैं, इसलिए ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। जनता यानी कि पब्लिक। एक और कलेक्टिव नाउन है भीड़, जिसे हम क्राउड कहते हैं। राष्ट्र नेशन, बेड़ा फ्लीट। बेड़ा कहते हैं समुद्री जहाजों के ग्रुप को, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। संसद यानी के पार्लियामेंट। कुछ उदाहरण है वाक्यों के जहां पर कलेक्टिव नाउन्स इस्तेमाल किए गए हैं। सरकार गरीबों के हित में है, द गवर्नमेंट इज इन फेवर ऑफ द पुअर। यहाँ पे गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन है, ये रिप्रेजेंट करती है उन लोगों को जो काम करते हैं देश के भले के लिए। एक और एग्जाम्पल है जहाजों का बेड़ा समुद्र तट पर पहुंच गया, द फ्लीट ऑफ ships हैज reached द कोस्ट। इस वाक्य में फ्लीट ये संबोधित करता है एक जहाजों के ग्रुप को, समूह को, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। सेना दल ने दुश्मन को हरा दिया, द आर्मी defeated द एनिमी। इस वाक्य में आर्मी क्या है? एक लोगों का ग्रुप है जो लड़ रहे हैं दुश्मन के खिलाफ। ये जब लोगों का ग्रुप है तो ये कलेक्टिव नाउन बन जाता है। एक और एग्जाम्पल है डकैतों का गिरोह पकड़ा गया, द गैंग ऑफ डकैट्स हैज बीन कॉट। इस वाक्य में गिरोह, गैंग, ये क्या है? झुंड है एक डाकुओं का, एक लोगों का, ये कलेक्टिव नाउन है। अगले प्रकार की जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म या अवस्था का बोध करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। अब भाववाचक संज्ञा में कोई चीज नहीं है जिसका नाम आप बोल रहे हैं। ये क्या हो सकती है? कोई भी आपके दिमाग में ख्याल आया, किसी भी चीज का कोई गुण बताना चाहते हैं या उसकी अवस्था बताना चाहते हैं, तो जो शब्द आप इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में जब उदाहरण दिए थे तो वहां पे दो शब्द आए थे, ईमानदारी और सौंदर्य, वो भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। हालांकि वो कोई चीजें नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, पर फिर भी वो ऐसे शब्द हैं जो किसी चीज के गुण, कर्म या अवस्था का बोध कराते हैं, इसलिए वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। हंसी, जिसे हम लाफ्टर कहते हैं। बीमारी सिकनेस, कामयाबी सक्सेस, गहराई डेप्थ। कुछ और उदाहरण है सुंदरता ब्यूटी, गुलामी स्लेवरी, बचपन चाइल्डहुड, सच्चाई ट्रुथ। यहाँ पे उदाहरण है वाक्यों के जहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इस्तेमाल किए गए हैं।
भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। फ्रीडम क्या है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये किसी की अवस्था बताती है कि वो अब आज़ाद है। मैं बचपन में टॉफ़ी खाता था, आई एट टॉफ़ी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, ये भी आपकी बाल अवस्था के बारे में दर्शा रहा है, इसलिए चाइल्डहुड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक और उदाहरण है, सूर्योदय का नज़ारा बहुत सुंदर होता है, द साइट ऑफ सनराइज इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल भी किसी के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ कैसी लगती है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एक और उदाहरण है, राम का भाई गुलामी में रहता है, राम्स ब्रदर लिव्स इन स्लेवरी। स्लेवरी क्या है, गुलामी क्या है, ये भी एक किसी व्यक्ति की अवस्था है कि वो कैसे रहता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पे कुछ वाक्य हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और मैं जो आंसर दूंगी उसमें की ये है कि जो वर्ड्स लाल रंग से लिखे हैं वो प्रॉपर नाउन है, हरे रंग में आने वाले शब्द कॉमन नाउन है, नीले रंग में आने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पर्पल रंग में आने वाले शब्द कलेक्टिव नाउन है। पहले मैं आपको वाक्य देती हूँ, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और जो भी नाउन्स हैं वो किस किस प्रकार के हैं वो भी लिखिए, और फिर आगे चल के इसका उत्तर देखिए। चीनी सेना दल ने चालाकी से युद्ध जीतकर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसका उत्तर देखते हैं, द चाइनीज आर्मी एडॉप्टेड क्लेवरनेस टू विन द वॉर एंड ऑक्यूपाई इंडियाज टेरिटरी। अब इस वाक्य में प्रॉपर नाउन है द चाइनीज और इंडिया, दोनों ही किसी देश के नाम हैं। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, क्लेवरनेस चालाकी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वॉर और टेरिटरी दोनों ही कॉमन नाउन्स हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण है, अध्यापिका विद्यार्थियों को नई दिल्ली की ऐतिहासिक और राजनैतिक इमारतें जैसे कि लाल किला, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट वगैरह देखने ले गई। इसी प्रकार से अब आप इस वाक्य को भी इंग्लिश में लिखिए, और जो भी प्रकार आई हैं नाउन्स की वो भी अलग अलग लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, टीचर टुक द स्टूडेंट्स टू विजिट द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली लाइक रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट एट्सेट्रा। अब इस वाक्य में दो कॉमन नाउन्स हैं, टीचर और बिल्डिंग्स। स्टूडेंट्स एक समूह के बारे में दर्शा रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, न्यू दिल्ली, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये चारों स्थानों के नाम हैं। न्यू दिल्ली एक शहर का नाम है और बाकी तीन इमारतें हैं, इसलिए ये चारों शब्द प्रॉपर नाउन हैं। धन्यवाद हमारा ये लेसन देखने के लिए, और अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो इंग्लिश अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।